हेलो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हम जो नीचे के साइड से जो भी सूट्स आ रहे हैं उन्हें पहले ही निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो सूट्स होते हैं ये मोस्टली नवंबर से लेकर जनवरी तक ये सूट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है एंड ये निकलते ही रहते हैं। प्लांट अभी वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज में होता है तो मोस्टली ठंडी के सीज़न में वैसे प्लांट की ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन ये जो शूट्स होते हैं ये नए शूट्स आने की स्टेज चालू ही रहती है। और दोस्तों हम जो भी प्लांट को फर्टिगेशन करते हैं या जो भी आप खाद वगैरह जो भी देते हो तो उसका न्यूट्रिशन प्लांट को अच्छे से मिलने के लिए इन शूट्स को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों बेसिकली ये क्या करते हैं कि हमारा जो भी प्लांट का न्यूट्रिशन है वो इनमें डिवाइड हो जाता है, तो इसी वजह से प्लांट को ऊपर के साइड में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो सबसे पहले इनमें डिवाइड हो जाता है और फिर बाद में प्लांट की तरफ ऊपर की तरफ जाता है। आप अगर इन्हें बढ़ाते हो, इन्हें कट नहीं करते हो, तो दोस्तों आप ये शूट्स आपको काफ़ी मतलब कम टाइम में 3 फीट या 4 फीट के भी देखने को मिल सकते हो। लेकिन दोस्तों ये हमें रखने नहीं है, आपको अगर लगता है कि हम शूट्स रख लेते हैं तो दोस्तों वो हमारे कोई काम की नहीं होती, क्योंकि हमें नेक्स्ट सीजन में फ्रूट में देंगे जो भी हमारा मेन स्टेम होता है प्लांट का, जो ऊपर की तरफ जो भी प्लांट की मतलब कैनोपी बढ़ती है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर हम इन्हें निकाल लेते हैं तो हमारा प्लांट ऊपर की तरफ से अच्छे से ग्रो होगा, जो भी न्यूट्रिशन डिवाइड होता है वो नहीं होगा। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको हर 15 दिन में कटिंग करनी चाहिए।